Okay, so good evening everyone. I hope you are having a great time. My name is Ashish Malik and I welcome you all to this live session of Unacademy YouTube channel. Aaj fir se ek baar hum log baat karne wale hain, revision karne wale hain current affairs ki through the MCQs. Beech mein do din session nahi hua tha, I'm sure aap logo ko zarur laga to hoga ki session kyun nahi ho rahe, but maine inform kiya tha guys ki do din beech mein kuch schedule aisa busy tha ki sessions nahi ho paaye, right? सो फिर से आज हम रिज्यूम करने वाले हैं एंड आज तो अनयूजुअल टाइम है ये 10-11 o'clock वाला, बट बाकी जो रेगुलरली मुझे आप लोग फॉलो करते हैं आप लोग जानते हैं 8:30 मेरा टाइमिंग है. सो 8:30 का रिमाइंडर सेट कर लीजिए, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट्स गोइंग टू बी 8:30 एवरी डे, बाइंग सब एक्सेप्शन, अगर कोई कुछ कभी हुआ एक्सेप्शन, बट यूजुअली जो सेशन टाइमिंग्स हैं वो 8:30 रहने वाले, राइट? सो गाइज आज हम फिर से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो एज आई कैन सी मेनी पीपल आर स्टिल जॉइनिंग अस, और प्रदुमन जोहान चाहते हैं मैं उनका नाम लूँ. सो हाई प्रदुमन, आपके लिए स्पेशल हेलो. राकेश, सुषमा, आदिति, सबको गुड इवनिंग एंड हेलो. सो गाइज लेट्स बिगिन द सेशन, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने अनअकैडमी प्लस को अभी चेक किया है, लेकिन अनअकैडमी प्लस के रिगार्डिंग में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, आप लोग को पता होनी चाहिए, आप लोग ज़रूर जानिए. गाइज दो नए कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर. सो जो दो कोर्स मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर लेकर के आऊँगा वो उनमें से वन कोर्स इज गोइंग टू बी द टेस्ट सीरीज. तो 24 टेस्ट की मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर, जहाँ पे आप एवरी डे टेस्ट दे सकते हैं और एवरी डे मैं उसका एनालिसिस सेशन भी कंडक्ट करूँगा राइट आफ्टर द टेस्ट. सो एज टू मेक श्योर कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो बाई द एंड ऑफ द सेशन आपको सारे के सारे टॉपिक्स का थ्रू आउट एकदम क्लैरिटी मिल जाए, पॉइंट नंबर वन. जो दूसरा मेरा कोर्स आने वाला है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर सेकेंड कोर्स उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं स्पेशली जो इस बार एग्जाम में अपियर होने वाले हैं. आई डोंट नो आप लोग कितने लोग हैं जो अपियर होने वाले हैं इस बार, बट वो कोर्स ऐसा होगा विच इज गोइंग टू कवर 250+ कोर्सेज, उसमें टॉपिक्स होंगे जो आपको जरूर प्रिपेयर करने बिफोर यू गो एंड एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल. सो 250 से ज़्यादा टॉपिक्स बताऊंगा प्रॉपर, हम उसका डिस्कशन करेंगे, जिसका मैंने एक ग्लिम्स आपको छोटा सा दिखाया था पिछले लेक्चर में, उसका छोटा सा ग्लिम्स दिखाया था. सो ऐसे ट्रेलर और प्रीव्यूज बहुत सारे आते रहेंगे गाइज. उसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पे, आप मुझे वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए. प्लस एक और इनिशिएटिव अनअकैडमी प्लस लेकर के आया है जहाँ पे अनअकैडमी प्लस बात करता है क्रैश कोर्सेज की, तो हमारे टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो आपके लिए क्रैश कोर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं गाइज. सो अगर आप इस बार एग्जाम देने के लिए बहुत सीरियस हैं तो ज़रूर ज़रूर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करते टाइम ऑल यू नीड टू डू, आपको जो भी आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज पेड राइट, सो 1 month, 3 month, 6 month and 12 month की सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल, बट उसको और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ऑल द एडुकेटर्स इंक्लूडिंग मी वी आर ऑफरिंग सम रेफरल कोड टू ऑल ऑफ यू. तो मेरा रेफरल कोड है गाइज, एज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ये रेफरल कोड है मेरा आशीष मलिक 8996. आशीष मलिक 8996 रेफरल कोड को आप एज इट इज जब यूज करेंगे, यू पीपल विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस एक और बेनिफिट होगा आपका. 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ आप यू ऑल ऑफ यू विल बी गोइंग टू बी अंडर माई गाइडेंस, डायरेक्टली आप मेरी गाइडेंस में रहेंगे, चाहे वो मेन्स का एग्जाम हो, इंटरव्यू लेवल का एग्जाम हो. सो एवरी टाइम यू विल हैव मी एज योर पर्सनल मेंटोर इफ यू यूज दिस रेफरल कोड. आपको यूज करना है, मुझे इन्फॉर्म भी करना दैट यू हैव यूज ऑन माई अनअकैडमी लर्निंग ऐप. चलिए तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं. एक रिक्वेस्ट आई है राकेश मिश्रा की, आंसर में अगर पिक्चर और मैप का भी यूज करो तो थोड़ा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए. बिल्कुल बिल्कुल राकेश, जो जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे या जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी जरूर मैं ऐड करने वाला हूँ. बिल्कुल नहीं, कल क्लास नहीं थी यार, दो दिन ब्रेक था, 26-27 को ब्रेक था, आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं. चले गाइस लेट्स बिगिन विद द मोस्ट अवेटेड एमसीक्यूज. मोस्ट अवेटेड एमसीक्यूज के लिए आई एम श्योर आप लोगों ने दो दिन मिस किया होगा सेशन ये वाला, हालांकि मुझे मैसेज किसी ने नहीं किया, लेकिन लेकिन वैसे यूजुअली आपको एक जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट ऑडियंस आ रही थी हमारे. सो क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, आपको आंसर देना है पहले हमेशा की तरह, पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, देन यू हैव टू गिव द आंसर. ओके, और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं सेशन के एंड में बताऊंगा, सो प्लीज मुझे याद दिलाना, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ आज. चलिए गाइज,
So question number one mein pucha gaya with reference to the Ministry of Defense prestigious strategic partnership model, jo SP model hai Ministry of Defense ka, uske regarding aapko batana hai, inmein se kaun si statement jo hai wo correct hai. Jo model hai, model seeks to identify Indian private companies as strategic partners who would tie up the few shortlisted output, these foreign equipment, original equipment manufacturers to manufacture. Yes, true. Any applicant company interested in participating in selection process must be owned and controlled by resident Indians. So, kya resident Indians hi hone chahiye jo aise companies ko chalayen jahan pe shortlisted foreign original equipment aap banayenge. Aur jo existing partners hain, unko advantage di jayegi for being automatic choice hogi future contracts ke liye Ministry of Defense ki. Jo abhi hamare paas originally jo existing strategic partners hain. तो क्या उनको एडवांटेज मिलेगी? राकेश मिश्रा ने कहा है सी, आदिति ने कहा है ए, वर्षा ने भी सी और आदित्य कुमार ने कहा है बी. राइट राइट आंसर गाइस इज डी एक्चुअली, जो आप लोगों ने अभी आंसर नहीं दिया है. देखिए ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है, पहली बात इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एग्जिस्टिंग वालों को कुछ वेटेज मिलेगी लेकिन एडवांटेज नहीं मिलेगी, उनको भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को. इसीलिए ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर थ्री है दैट विल बी रॉन्ग. स्टेटमेंट थ्री तो होगी गलत, इसीलिए आपका आंसर होगा वन एंड टू. फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन्स, क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है. प्लीज गाइस क्वेश्चन नंबर मेंशन करते रहिए लाइक कुमकुम सुथार. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर एंड देन यू आर गिविंग द आंसर. गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है जितने लोगों ने अभी गुड इवनिंग कहा है. इंडिविजुअल करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट सभी लोगों को गुड इवनिंग कर रहा हूँ. चलिए क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन्स, कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. तो अगर हम पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या आइस कैप्स के अंदर दे आर होल्डिंग मोर वाटर देन द सॉल्ट लेक्स एंड एटमोसफेयर कंबाइंड. सॉल्ट लेक्स और एटमोसफेयर को कंबाइन भी अगर हम कर दें तो क्या आइस कैप में उससे ज्यादा पानी है. पॉइंट नंबर वन. गाइस आंसर दे रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए साथ में जैसे बाकी लोग दे रहे हैं. सेकेंड सेज ग्राउंड वाटर इज रिचर सोर्स ऑफ वाटर देन बोथ फ्रेश वाटर लेक एंड इनलैंड सी. अगर आप फ्रेश वाटर लेक और इनलैंड सी दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, उससे ज्यादा पानी है ग्राउंड वाटर में. एंड थर्ड पॉइंट सेज रिवर्स होल्ड मोर वाटर देन लेक्स. तो क्या नदियों में तालाबों से ज्यादा पानी है? सो जो लोग अभी मुझे ज्वाइन करें गाइस मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग क्वेश्चन नंबर भी साथ में, अदरवाइज लाइव स्ट्रीम होती है तो पता नहीं चलता आपका आंसर कौन सा है. ओके आंसर बी सी, राकेश मिश्रा सिंह सी, आदित्य बी, वर्षा सी. देखिए राइट आंसर जो होगा इट इज गोइंग टू बी ए, जो कि किसी ने भी नहीं दिया है एज आई कैन सी, निधि अग्रवाल ने दिया. ओके सो राइट आंसर इज ए, वन एंड टू राइट होंगे. रिवर में ज्यादा नहीं होता, लेक्स का जो पानी है टोटल वो ज्यादा इन कंपेरिजन टू द रिवर्स. ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि रिवर्स का जो पानी है वो ज्यादा इन कंपैरिजन. जी चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब बात करते हैं होप प्रोजेक्ट की. आई एम श्योर आपने, मैं होप करता हूं कि आपने होप प्रॉप प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा. तो ये होप प्रॉप प्रोजेक्ट जो है विच इज ऑल अबाउट द डिस्कवरीज ऑन द मार्स, जो मार्स के ऊपर डिस्कवरीज करने से रिगार्डिंग है, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पे. लेकिन वो किसका इनिशिएटिव है, कौन सी कंट्री का है ये होप प्रॉब प्रोजेक्ट? यस व्हाई आदित्य कुमार इज सो सैड. यस आदित्य व्हाट हैपेंड? होप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए यार क्विकली. हमें 25-30 आंसर्स करने हैं क्विकली राइट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, न्यूज में काफी ज्यादा, इसलिए मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है आंसर में. आंसर वुड बी सी, थर्ड का आंसर होगा सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. जो यूएई है वो इसी के साथ में पहला ऐसा अरबी कंट्री बना है जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ ऐसा करने की कोशिश की है. एंड आई कैन सी मैक्सिमम लोग सही आंसर दें, दैट्स रियली अमेजिंग. गलत हुआ है पार्थ का, नागार्जुन का भी आंसर गलत हुआ है एंड मनोशी बेरा का भी गलत हुआ है. राइट आंसर वुड बी सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. क्वेश्चन नंबर फोर, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सुपर बग्स. सुपर बग्स का आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा.
सो सुपर वर्ब्स के रिगार्डिंग में आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे. सो सुपर वर्ब्स के रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट से सुपर बग इज रेजिस्टेंट टू ऑल द एंटीबायोटिक्स. सेकेंड पॉइंट से मोस्ट सुपर बग्स आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो जो सुपर बग होते हैं वो सभी एंटीबायोटिक्स को के रेजिस्टेंट होते हैं. एंड सेकेंड में कहा गया कि हमेशा ये क्या होते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. क्योंकि देखो जो सुपर बग्स होते हैं दो तरह से होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव एक होते हैं ग्राम नेगेटिव. तो आपको इसके बारे में बताना है. राइट आंसर होगा डी, क्योंकि दोनों ही थोड़े से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. तो आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर आप कुछ और मार्क करेंगे. आंसर इज गोइंग टू बी डी, नन ऑफ द अबव. नहीं रश्मि, अंकित, निधि भी गलत दे रहे आंसर. गुर साहिब ने सही आंसर दिया है. गुर साहिब हैज गिवन द राइट आंसर. नहीं ये तो पहले वाला है. ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे होगा डी, क्योंकि जो सुपर बग्स होते हैं वो मोस्टली सभी इक्वल नहीं होते, लाइक इसलिए फर्स्ट वाला राइट नहीं होगा. ठीक है, और मोस्टली जो होते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव होते हैं मैक्सिमम. लेकिन कुछ एक हैं जो थोड़े से पॉजिटिव भी होते हैं, बट मेजॉरिटी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी ग्राम नेगेटिव. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स. आज फास्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा करवा दूँ. ये इस महीने के 2-3 जो लेक्चर बचे हैं मैं चाहता हूँ ज़्यादा कवर करा दूँ. एंड गाइज यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन योर स्कोर्स एज वेल. अपने स्कोर पे भी ट्रैक करना है. लेट्स सी आज कितने आप इम्प्रूवमेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स. ओशन वेव्स डू नॉट ट्रांसफर डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये डैश कहो एक्स कहो क्या चीज़ है. तो ओशन वेव्स इनमें से कौन सी वो चीज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करती है, ये आपको बताना है. माय नेम लाइव सेशन के नीचे लिखा होगा, माय नेम इज आशीष मलिक. टाइमिंग्स होती है 8:30. आज थोड़े अनयूजुअल है क्योंकि ऑलरेडी मेरे अनअकैडमी प्लस पे लेक्चर्स वगैरह थे, बट जो नॉर्मली जो टाइमिंग्स होती हैं दैट इज 8:30. तो आप अपने हमेशा रिमाइंडर जो सेट करने हैं वो 8:30 के हिसाब से आपको सेट कर रहे हैं. राइट आंसर यहाँ पे होगा 2 ओनली, दैट इज बी. एंड एज आई कैन सी मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, दैट्स अमेजिंग. क्योंकि फाइटोप्लैंकटन जो है फ्लोटिंग उसको ट्रांसफर नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. वेव एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. सो फाइटोप्लैंकटन नहीं. ओशन वेव्स क्या होती है आपको पहली बात बताना चाहिए. ओशन वेव्स होती क्या है, देखिए ओशन वेव्स के केस में क्या होता है कि द मोशन द वर्टिकल मोमेंट दैट यू सी द अप एंड डाउन द क्रस्ट एंड द ट्रॉफ दैट यू सी इज अ स्टैटिक मोशन. वो एक्चुअल में मूव नहीं होती है. वो जो ट्रेन्स होती हैं वेव्स की दे मूव ऑल टुगेदर, बट अपनी जगह पे ही ऑसिलेट करती है वेव्स, दे डू नॉट ट्रैवल. वो सिर्फ अपनी एनर्जी को पास ऑन करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स व्हाई वन कैन नॉट बी द आंसर. अब ओशन वेव्स खुद अगर ट्रांसफर नहीं करती, ट्रैवल नहीं करती, राइट, इफ दे डोंट ट्रैवल देमसेल्व्स, तो फाइटोप्लैंकटन कैसे ट्रांसफर करेगी. उसके लिए तो देयर हैज टू बी अ मूवमेंट, राइट, व्हिच इज नॉट इन द केस ऑफ ओशन वेव्स. लाइव सेशन में नहीं लिखा रहता या स्टार्टिंग में लिखा होगा ना. अच्छा नहीं आता. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. द प्रैक्टिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया इन्वॉल्व्स. इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आप कह सकते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म को इन्वॉल्व करती है. जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, या आप सेटअप करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हर 5 साल में, या आप डिवोल्यूट करते हैं सेंट्रल पूल टू द स्टेट्स. इट्स ओके गाइस, जो लोग लेट आए हैं नो इशू, कोई बात नहीं, अभी से ज्वाइन कर लीजिए. सो शशिधर गौड़ा हैज गिवन द आंसर एज डी. अंकित शिवाजी थिंक्स इट्स ए, वेयर एज मीनू यादव थिंक्स इट्स बी. गाइज राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं यही शो करती हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो इंडिया के अंदर ये तीनों चीजों से बढ़ता है. तीनों ही राइट प्रोविजन होंगे इसके. चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7.
Question number 7, why higher education institutions, HEI, would want to join the innovation cells? Wo kyun join karna chahte hain innovation cells ko aapko batana hai, which is network in India. Ye iska jo network hai, innovation cell ka jo network hai, innovation cell network ko kyun join karna chahte hain higher education institutions. Thoda sa teda question hai, but I'm sure aap log zarur iska answer de payenge. And guys, give it a thumbs up in the end if you like the session. If you like the way of my teaching, if you like my classes, if you like this, spending the 60 minutes with Unacademy, that too with me. So guys, do not hesitate to give it a thumbs up to the session. And Unacademy app ko bhi download kar lijiye. Unacademy app aapka bahut zyada help hone wali hai uske through. Itne sare amazing educators hain, jab sab bhi aapko contribute karenge, bahut sare amazing platforms pe aapko help milegi. So make sure that you guys, abhi tak to aap log zarur dal lijiye Unacademy learning app. Right answer यहाँ पे होगा C. Both are correct. दोनों की दोनों चीजें सही हैं. देखिए जो student और facility जो faculty है, जो भी associated है innovation cell से, they will have exclusive opportunity to participate in the various innovation related initiatives. जिसको कौन organize करता है? Ministry of HRD organize करता है, right? दूसरी चीज जो है, कोई सेपरेट मेजर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है अगर आपको ज्वाइन करना है इनोवेशन सेल. एंड द इनोवेशन सेल विल मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल इकोसिस्टम इन द एचईआईज टू प्रमोट द इनोवेशंस. चलिए वैसे गाइस मैंने यहां पे कुछ मेंशन भी कर दिए हैं जो जो मेजर प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि नेटवर्क ऑफ इनोवेशन क्लब इसके अंदर आएगा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आएगा, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इसके अंदर, National Student Startup Policy, Network of Innovation, Clubs and all, सब इसी के अंदर आएंगे. चलिए. Okay, so Vertos is working with MHRD. बहुत बढ़िया. अगर आप Ministry of HRD के साथ काम करते हैं Vertos, so we are so honored to have you here in our session. We are so honored to have you here. Share भी कर दिया. चलो बहुत बढ़िया. एक काम करना, मेरे जितने भी sessions हैं सबको अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, स्टेटस व्हाट्सएप और हर चीज के स्टेटस पे लगा के फैला दो, बुरी तरह से फैला दो सेशनों को. ऐसा होना चाहिए कि लोग यहाँ पे दो दो तीन तीन हजार आने चाहिए सेशन में, जब और ज्यादा मजा आएगा, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो क्यों, उनको क्यों हम यूनिक बोलते हैं? व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी यूनिक? इक्वेटोरियल काउंटर करंट, व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी यूनिक? So I've got the answer from Ankit Shivaji and he has given the answer as A, which is absolutely correct, definitely. So A right answer hai guys. Equatorial current ko kyun unique bolte hai? Agar, because they flow in a direction which is opposite to the surface winds. Surface winds agar east to west flow karengi, to hamesha equatorial counter current jo equator ke paas flow karega, it will always flow in the direction west to east. Yani ki bilkul opposite surface winds ke regarding, right? D nahi hoga answer guys, A hoga iska right answer. Question number 9, which of the following is not vital for the establishment or success of a democracy? Question number 9 ka, haan, 8 ka sahi hai, A ho gaya, bahut badhiya, good hai, 8 ka ek ho gaya, bahut badhiya. Acha, ek baat aur batao mujhe, jab tak answer bhi dete raho, aur ek baat aur puch leta ho main aap logo se. Unacademy Plus ko ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक चेक भी नहीं किया, Unacademy Plus को देखा ही नहीं है ओपन करके कि Unacademy Plus प्लेटफॉर्म क्या है, ऐसे कितने लोग हैं? यूपीएससी एडिक्टेड आग लगा देंगे. हाँ लगाओ लगाओ भाई, बिल्कुल लगाओ, एग्जाम में भी आगे लगानी है, बहुत बढ़िया. ओके सो somebody इज लीविंग अस, दैट्स सिल्पिक्षा बरूच बरुआ. गुड नाइट, गुड नाइट यार सबको, गुड नाइट जो जा रहे हैं उनको गुड नाइट, बाकी लोग अपना आंसर करते रहिए, कम ऑन. सो यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइटल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी. यानी कि अगर आपको जो ये लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है, इसके सक्सेस के लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है, यानी कि नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा. तो यहां पे राइट आंसर जो होगा दैट वुड बी डी. डायरेक्ट इलेक्शन हर रिप्रेजेंटेटिव का हो जरूरी नहीं है, जैसे कि राज्यसभा में नहीं होता, ठीक है, प्रेसिडेंट का नहीं होता डायरेक्ट,
गवर्नर का नहीं होता, इनफैक्ट जो आपके चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका नहीं होता. तो डायरेक्ट इलेक्शन हो, दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी वाइटल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट. बाकी चीजें होनी मस्ट है, बाकी चीजें होनी बहुत जरूरी है. प्रेजेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ग्रांटिंग फंडामेंटल राइट्स टू द पॉपुलेशन, साथ में पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन टू रन द पब्लिक ऑफिस इज ट्रू. ओके ओके गुड. आप नहीं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अनअकैडमी, अनअकैडमी प्लस की बात कर रहा हूं मैं. प्लस प्लेटफॉर्म पे किस किसने देखा है कि क्या चल रहा है अभी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में, तो उसके बारे में बात करते रहेंगे बीच बीच में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट नाउ. अगला क्वेश्चन कहता है एओलिस. एओलिस यानी कि एटमॉस्फेरिक डायनेमिक मिशन. एओलिस जो है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, आप सबको जरूर पता होगा. इसके बारे में आपको बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है. इसे बिल्ड किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एंड इट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट विद इक्विपमेंट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ग्लोबल विंड कॉम्पोनेंट प्रोफाइल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्पेस. तो ये क्या पहला ऐसा सैटेलाइट होने वाला है जो कि ग्लोबल विंड कॉम्पोनेंट प्रोफाइल को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन वो भी स्पेस से ऑब्जर्व करेगा. Yes, yes, yes. Because I think the timings are too odd. I mean, 11 is still a bit not my timings. So I'm sure ki 8:30 timings would be much better, na? 8:30 apna jo usual hota na, farak hota hai yaar. Dekho, ek to apne time pe aao. Ek phir kahin aur slot mile to bahut farak pad jata hai us cheez ka. Maybe log expect nahi kar rahe honge aapko is time pe. So that's why. Soumya Mishra, your teaching method is very popular in an academy. Well, thank you so much, Soumya. Thank you so much. But आपने कहाँ सुन लिया? ऐसे कोई newspaper में तो नहीं आ गई ये खबर? सो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत सारे लोग तो अभी end game देख रहे होंगे, I'm sure. चलिए इसका आंसर देना है आपको 10th का आंसर जो काफी लोगों ने दिया, I'm sure. But right answer is going to be B. सी नहीं है मीनू यादव, अतुल रहमान, पी के राणा जी, ए भी नहीं है. दैट आंसर इज बी. सेकंड स्टेटमेंट सही है. एक्चुअली दोनों ही सही होनी चाहिए, ये शायद यहाँ पे गलत मार्क हो गया है. गाइस प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए. राइट आंसर वुड बी सी. 10th का आंसर सी होगा यार, करेक्ट कर लो, ये गलती से बी मार्क हुआ है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, बोथ आर करेक्ट. ओके सो अरुणिमा कह रहे हैं कि अनअकैडमी प्लस इज नॉट वर्थ. देखो यार यू हैव हर्ड इट राइट, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट येट. सो सिर्फ सुनी सुनाई पे मत जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं. वी गाइज आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन अनअकैडमी प्लस. आई एम श्योर आप एक बार 1 month का सब्सक्राइब करके देखिए तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वर्थ. क्योंकि सिर्फ किसी और के सुनने पे तो आप नहीं कर सकते ना, यूपीएससी किसी और के सुनने पे आप नहीं कर रहे, आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं. राइट लगता है मुझे प्लेबिसाइट करवाना पड़ेगा. ऐसे फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा है यहाँ पे. एज आदित्य कुमार इज सेइंग फेवरेट सर, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा करवाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, प्लेबिसाइट ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा आप लोगों के लिए. ओके सर देन डोंट गो प्लीज, स्टे एंड गिव द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 ऑन स्क्रीन. यस यस वो करेक्ट है यार, गलती से मार्क हो गया था, दैट इज करेक्ट. चलिए थैंक यू सो मच आदित्य फॉर सेइंग योर फेवरेट, थैंक यू. क्वेश्चन 11 में आपको ये बहुत सिंपल है, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. इन सीटू कंजर्वेशन, बचपन से सुनते आए इन सीटू एक सीटू, आज टाइम आ गया है वो नॉलेज दिखाने का. तो इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में आपको बताना है दैट टिश्यू कल्चर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डीएनए बैंक या बोटानिकल गार्डन, इनमें से कौन कौन से वो जगह हैं जिनको हम कंजर्वेशन मेथड के अकॉर्डिंग इन सीटू उसको बोलेंगे. तो क्या होगा राइट आंसर आपको ये बताना है यहाँ पे. बंदीप पांडे क्या बोलती है पब्लिक बताओ भाई, बंटाई क्या बोलती है बंटाई पब्लिक. ओके सो आई एम गेटिंग आंसर एज सी. ओके दैट इज राइट आंसर गाइस.
देखो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी उस इकोसिस्टम को, यू हैव नॉट डिस्टर्ब्ड इट, यू हैव नॉट चेंज द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, राइट? सो उसके उसको नेचुरल उसी स्पेस में, उसके अपने इकोसिस्टम में अगर आपने कंजर्व किया है, दैट वुड बी कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन. यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स. लेकिन अगर आप टिश्यू कल्चर के लिए एक चीज को ले गए, आपने डीएनए का बैंक सेटअप कर दिया, बोटानिकल गार्डन बना दिया, दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो वो इन सिटू में नहीं आएगा, वो एक्स सिटू के अंदर आएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और योर स्क्रीन गाइस. क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, बताइए. अब यहां पर आपको बताना है, दो स्टेट तीन स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट चूज करना है. यहां से जो एम है इंदिरा एक्सरसाइज का, इट इज टू एनहेंस द इंटरऑपरेटिबिलिटी ऑफ इंडियन एंड रशियन आर्मीज इन द पीस कीपिंग एंड एनफोर्समेंट एनवायरमेंट अंडर द एज ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूएन मिलिट्री पर्सनल जो है, दे कैन बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस. तो जो भी यूनिटरी मिलिट्री पर्सनल होते हैं, उनको आप कभी भी बुला सकते हैं टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस एंड यूएन पर्सनल. दे ऑल्सो मॉनिटर अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर, उसको भी मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पीस प्रोसेस को, जहां पे भी कोई भी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट काफी एक्सट्रीम है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इंडिया डज नॉट कंडक्ट एनी मिलिट्री एक्सरसाइज विद द लैंडलॉक नेशंस इन साउथ एशिया. थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, राइट? राइट आंसर वुड बी ए. ओके, सो 12th का मुझे आंसर जो आया, सबसे पहले आंसर इज गिवन बाय फारूक, बट मैक्सिमम लोग बी बोल रहे हैं यार. बी वुड बी द रॉन्ग आंसर, बी गलत हो जाएगा, ए होगा राइट आंसर. ओके, सो गुर साहिब इज एंजॉइंग द सेशन, ग्रेट ग्रेट, बट यू पीपल वोंट बी सीइंग मी एट दिस ऑड टाइमिंग्स, राइट? हमें भी रेस्ट करना होता है यार, हमें भी रेस्ट करना होता है. इट्स टू लेट usually because I have my sessions right from the morning 9. Abhi bahut late soenge to morning 9 session 9 o'clock se shuru ho jate hai, 9 am se. Chaliye, ye galat hai kyunki yahan pe agar, ha bilkul sahi hai, ye mujhe answer diya hai Ashutosh Unyal. As usual Ashutosh has again contributed with very good information. To India ne Surya Kiran jo hai Nepal ke sath conduct kiya tha, so definitely third wala option jo hai wo galat hoga, that would be a wrong one. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. लाइकन इज अ पाइनियर स्पीसीज. अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं, अगर मैंने ये टर्म बोल दिया आपके सामने दैट लाइकन इज अ पाइनियर स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या समझेंगे आप इस बात से अगर मैं कहूंगा लाइकन इज अ पाइनियर स्पीसीज? जी, और प्रियव्रत कुमार, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी, बीच में कभी मैंने ये भी आपको कहा था, जब भी वर्ड यूज करें इंदिरा, तो इंदिरा गांधी से आप रिलेट कर लीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे यूएसएसआर से इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे इंडिया के एक तरह से. तो मैक्सिमम जो भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है डिफेंस की, ड्रिल होती है, जहाँ पे इंडिया और रशिया ही कोलैबोरेट करते हैं, इंदिरा के अंदर मैक्सिमम इंडिया और रशिया कोलैबोरेट करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, राइट? यस मनदीप पांडे जी, बिल्कुल, मेंस भी पढ़ाएंगे. अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं फाउंडेशनल कोर्स भी लेकर के आऊंगा, एनवायरमेंट का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, और आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली गाइस. अगर आप लोग मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 1 जून से स्टार्ट हो रही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. जैसे ये थर्ड जून से शुरू होंगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस. ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू होने वाली है मेरी क्लासेस, तो बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड पैकेज आप लोगों के सामने आने वाला है. तो मैं वही कह रहा हूँ, यही सबसे बढ़िया राइट चांस है. 2 या 3 दिन आपके पास बचे, अगर अप्रैल में ज्वाइन कर लेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, और सबसे वर्थ है अगर आप 1 साल का ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सबसे सस्ता पड़ने वाला है, ऑलमोस्ट 3000 मंथ आपको कुछ ऐसा पड़ने वाला है. चलिए, यस, इसका आंसर आपको बताना है. लाइकन का मतलब, यहाँ पे राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. अगर मैं बात करता हूं लाइकन इज अ पाइनियर स्पीसीज, तो इट इज जनरली वन ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज टू कॉलोनाइज द इकोसिस्टम. आप जानते हैं दो तरह का सक्सेशन होता है गाइस, दो तरह का होता है सक्सेशन. एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी. प्राइमरी होता है जहां पे कोई ओरिजिनली कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बैरन लैंड पे,
और जीरो से स्टार्ट किया किसी स्पीसीज ने उसको कॉलोनाइज करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी खत्म हुआ, कुछ उसके रिमेन्स रेजिड्यू बच गए, उसके बाद किसी और स्पीसीज ने वहाँ पे जो है एनक्रोच किया और उस पर कॉलोनी सेटअप की, दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी. लेकिन पाइनियर स्पीसीज जो होती हैं वो हमेशा पहली स्पीसीज होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम को कॉलोनाइज करती हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको ढालती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि की स्टोन स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज, राइट. और एक होता है आपका वन इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं जो इकोनॉमिक आई मीन एनवायरमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं पूरा एंटायर एक कोर्स बना दूँ एनवायरमेंट के लिए, और फाउंडेशनल कोर्स बना करके मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद इन अ मंथ और सो. यस, बिल्कुल बिल्कुल. शिल्प शिक्षा जो आंसर राइटिंग है वो सभी सब्जेक्ट्स की होगी. इट विल बी GS1, GS2, GS3, GS4 के हिसाब से आंसर राइटिंग कराई जाएगी आपको. यस यस, बताइए. तनवीर पूछ रहे हैं, हेलो सर, मैं इस साल कोचिंग सेंटर में इंटरेस्ट लिया हूँ, समझ नहीं आ रहा. देखिए, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं गाइस, आई रियली रिक्वेस्ट, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उसको आप प्लीज़ एंड में मुझसे पूछिएगा, तब मैं ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग लास्ट में हमेशा 5 to 10 minutes जो है आपका डाउट सेशन रखते हैं, राइट. तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लास्ट में आराम से पूछिए, पहले फटाफट से आंसर कर देते हैं, ठीक है. सो डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके सारी क्वेरीज के आंसर दे दूंगा. जस्ट आधे घंटे की बात है, आधा घंटा होल्ड ऑन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बीच में क्वेरीज दूंगा तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 ऑन स्क्रीन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया. इनमें से कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया की. जी बिल्कुल, प्रिय भरत कुमार ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, गुड. और गाइज, आज लो आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट भी कम कर रहे हैं. यूजुअली मैं चाहता हूँ कि आपके पास जितनी नॉलेज है उसको शेयर कीजिए, जिस टॉपिक के बारे में आपको जो चीज़ पता है आप शेयर कीजिए. देखिए, बाकी लोगों को भी बेनिफिट होगा, खुद आपको भी रिकॉलिंग बढ़ेगी उस चीज़ से, राइट. सो कुमार कुमकुम सुथार ने दिया आंसर एज 14 का सी. ओके, सो गाइज ऑलवेज कीप ऑन मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर इज डी. सी नहीं है, आंसर इज डी. कुछ लोग यहाँ पे फंस गए हैं, लोगों ने डी छोड़ के सब आंसर कर दिए हैं. पहले हमेशा क्वेश्चन नंबर डाला कीजिए, फिर उसके बाद आंसर आपको देना है. वियतनाम, सिंगापुर, फ्रांस, अफगानिस्तान, इन सबके साथ जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इनफैक्ट 30 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया ने जो है साइन की है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सबसे पहले किसके साथ की थी, वो की थी फ्रांस के साथ में. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, 1998 के अंदर फ्रांस वॉज द फर्स्ट टू साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया. उसके अलावा मेजर कंट्रीज जो है जैसे कि USA है, वियतनाम, रशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ईरान, आसियान की कंट्रीज और अफगानिस्तान, ये कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रखा है. राइट आंसर था उसका डी. नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन स्क्रीन, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस विद रिस्पेक्ट टू द डिमार्केशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एंड एक्टिविटीज देयर इन. जी बिल्कुल, लगता है प्रिया व्रत का थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है. अरे निधि, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है. अभी मुश्किल से लोग वापस से मोमेंटम में आए, आप मोमेंटम तोड़ दोगे उनका. कंफ्यूजन हो गया पहले, नहीं नहीं, डी था राइट आंसर. अब आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस विद रिस्पेक्ट टू द डिमार्केशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एंड एक्टिविटीज देयर इन. मिक्स है वंदना, मिक्स सब्जेक्ट आज का, मिक्स रखा है सेशन हमने, ठीक है. तो आपके पास दिए हुए तीन चीज दी हुई है. देखो, आप जब भी कंजर्व करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, जब भी डिमार्केट किया जाता है, सो यू गाइस नो वी डिमार्केट द बायोस्फीयर रिजर्व्स इनटू 3 zones. वन इज कॉल्ड द कोर जोन, देन वी हैव द बफर जोन, देन वी हैव द ट्रांजिशन जोन, ठीक है. तो ये तीन चीजें होती हैं. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही मैच आपने किया हुआ है. यस कैलवरी, ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन मोर इंग्लिश, डू नॉट वरी, राइट. फॉर श्योर आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश मोर, करेक्ट. वेल, एज यू कैन सी, वी हैव द 3 options, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, एंड यू हैव टू सी विच ऑफ देम आर करेक्ट.
Right answer would be C, that is 1 and 3. See, when you say core zone, basically core zone, we have the biodiversities which are related. Scientific researches, they have exceptional values. So only those are allowed in the core zone. In the transition zone, we know agriculture is allowed because see how it happens. In the middle, we have the core zone. Outer, we have buffer. And last, we have transition. So what kind of activities are allowed, that you have to see, right? So when I say the core areas, the core zone, we have where we want to conserve the wild species. So what kind of activities are allowed? Only some exceptional scientific activities are allowed. For the buffer zones, we have activities which are managed in these areas. So all the activities like restoration, demonstration sites, the recreation, tourism, fishing, they are permitted somewhere. Transition is the outermost part of the biosphere reserve. So why second was wrong? Second statement said that human settlements cannot be set up. That is wrong. Human setups can be set up in the buffer zones provided they do not disturb. They do not disturb the other conservation activities, right? चलिए अब हिंदी वाले आ गए कि सर हिंदी बोलिए यार मैं bilingual रहता हूँ वो सही रहेगा आप लोग के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 गाइस चलिए 16 का आंसर बताइए विच ऑफ दिस रीजन इज वेल नोन फॉर द होस्टिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट पेंटिंग्स जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट पेंटिंग्स है वेयर डू यू फाइंड ऑल ऑफ दीज ओके सो अर्पित आज क्लास का टाइमिंग क्या था वेल एनईटी संस्कृत प्रेप Unusual timing tha, it was 11 PM but from tomorrow we are going to get back to our usual timing that is 8:30. So all my newcomers, please make sure that from tomorrow you come at 8:30. 8:30 baje ka alarm laga lijiye. Aap log kal se 8:30 baje fir se usual timing pe milenge, right? Thank you so much, Calvary. but you made me controversial. Many people want me to say it in English, Hindi now. Okay, anyways. Right answer is C, both 1 and 2. The Vindhyan ranges, we know, which are in Madhya Pradesh, they are also the hosting of prehistoric painting. Jo bhi prehistoric painting aapko milti hai, wo yahan bhi milti hai. Aapko Uttar Pradesh mein milti hai, Andhra Pradesh mein milti hai, Karnataka or Bihar. These are the states where you majorly you find the remnants of the rock paintings. And we have the Kumaon Hills in Uttarakhand. There also the paintings have been reported from. Okay? Repeat your time. My timings are 8:30. Barring the exception for today, my usual timings are 8:30 to 9:30 PM. So always set your reminders according to that. 8:30 to 9:30 is going to be my usual timings. Chalina guys, next question. A pilot project to administer triple drug therapy with a long-term aim of eradicating lymphatic filariasis. It was launched recently. अभी recently launched किया गया है. एक ऐसा pilot project launched किया है जहाँ पे triple drug therapy को administer किया जाएगा क्योंकि इसका target क्या होगा? Lymphatic filariasis को eradicate करना है. So इस project के बारे में you have to consider about the lymphatic filariasis project and you have to give the right answer. First point says over 1/3 of lymphatic filariasis occur in India. तो एक one third से ज़्यादा जो है one third से ज़्यादा जो lymphatic filariasis होगा वो इंडिया में होगा first statement says second statement says the WHO global deadline for eradication of lymphatic filariasis 2020 यानी WHO World Health Organization ने जो global deadline दी थी for eradication of lymphatic filariasis वो दी थी 2020 तो कौन सा इनमें से होगा right आदित्य कुमार इस saying sir आज question wrong हो रहे हैं कोई बात नहीं आज कई दिनों के बाद मिले हो ना तो मोमेंटम आने में टाइम लगेगा आप लोग दो दिन से मजे मजे में घूम रहे थे बहुत वीकेंड एंजॉय कर लिया था आज वापस से क्लास में आए थोड़ा सा रियलिटी चेक हो गया सबका राइट आंसर इज सी बोथ आर करेक्ट गाइस बोथ स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट लिम्फेटिक फिलारिसिस के बारे में दोनों सही है 1/3 केसेस इंडिया में है और इराडिकेशन की डेडलाइन ही 2020 दी गई है यार प्रैक्टिकल तो नहीं सुना है मैंने भी एग्जांपल एज इन ठीक है तो क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा मतलब कहीं पे हमने ऐसा नहीं सुना है कि इसको लिम्फेटिक फिलारिसिस हुआ है ऐसे तो नहीं सुना है जितना भी पढ़ा है बुक्स एंड ऑल में ही पढ़ा है इसके बारे में
basically hota kya hai, ek aisa infection hai Nidhi. This is a kind of infections which are you know, where you have parasitic worms living in the lymphatic system. Jab hamare andar parasitic worms rehne, kide jab rehne lag jate hain, that I think that is very commonly used. Shayad usko hum log ye na bolte ho, commonly kuch aur bolte hain, but yeah, ye cheez. Aur transmission kaise hota hai? Transmission is majorly done by mosquitoes. Mosquitoes, they do the transition from one person to another person. Okay, so Priya Vrat has given another important contribution. So thank you so much for the contribution. And it says, legs are swollen in this disease. Yani is disease ke andar jo legs hai wo soj jati hai, swollen ho jati. Chali. Okay, so Ramanuj Singh has again contributed one more interesting fact, that this disease is also called as elephantiasis. Yes, they attack the lymph nodes. Very good contribution by Rakesh Mishra and Minu Biswal. Chali guys, question number 18 on your screen. So you have to consider these following hints and you have to identify about which national park we are talking. So Guru Sahib Singh, जिन्होंने कहा था कि ये टाइमिंग उनको बहुत सूट करते हैं, उनका माइंड बहुत फास्ट चलता है, एंड ही हैज गिवन दी आंसर. सबसे पहले भी उन्होंने आंसर दिया है, सो एब्सोल्युटली आई टोटली अग्री विद हिज व्यूज. सो उन्होंने आंसर दिया है एज सी. अंकित शिवाजी सिंह एज डी. सो जो एज सी. सो मेजरली पीपल आर कंफ्यूज. निधि अग्रवाल ने सिर्फ 18 लिख के छोड़ दिया है, तो उसका आंसर तो पता ही नहीं मुझे क्या दे रहे हैं वो. 18 के आगे आंसर भी लिखना होता है, ठीक है. ओके, सो मेनी पीपल आर गिविंग द आंसर एज सी, विच इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली हेमिस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट है, जहाँ पे आपको पता चलता है दैट दिस ये है कहाँ पे, वैसे लद्दाख के अंदर है. इट इज़ इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया में हेमिस नेशनल पार्क. ये इट डज नॉट रिसीव हैवी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिग्यूस प्रोटेक्टेड एरिया है कंट्री का. जो सबसे बड़ा कंटिग्यूस प्रोटेक्टेड एरिया है कंट्री का वो तो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. कौन से स्टेट में है बताइए. अब ये भी आप बता दीजिए मुझे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये आपके लिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है. और उस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद सेकंड जो है वो है हेमिस नेशनल पार्क, सबसे लार्जेस्ट. इट इज द लार्जेस्ट कंटिग्यूस प्रोटेक्टेड रीजन. कंटिग्यूस मीन्स एज फार एज द कंटिग्यूस एरियाज आर कंसर्न, सो दैट एरिया वाइज आई एम टॉकिंग. ठीक है. And this place is considered to be award for immense population of the snow leopards. Yes, Nanda Devi belongs to Uttarakhand. Nanda Devi is not in Himachal Pradesh. Ramanuj, please correct your facts. Nanda Devi Biosphere Reserve belongs to Uttarakhand, not Himachal Pradesh. Dekhiye, we should always ask these kind of supplementary questions, because by asking supplementary questions, many people also contribute, and sometimes कहीं अगर चांसेस हैं हमारे गलत होने के तो नहीं होंगे. आई एम श्योर रामानुज अब ये वाला क्वेश्चन तो कभी लाइफ में गलत नहीं करने वाले. व्हेन इफ एनीबडी आस्क हिम अबाउट द हेमिस नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, तो आई एम श्योर गलत नहीं करने वाले उसके बारे में, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. Excuse me. Okay. Yes, Priya Vrat. Exactly. We have snow leopards there. बिल्कुल सही है. And Ashutosh has also contributed wonderfully. Hemis National Park has kyong, wild ass. Okay. So I doubt that wild ass are only restricted to the Gulf of Kutch, if I'm not wrong. Yes, Ashutosh. Wild ass तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से इधर है. गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ही है शायद. एंड एज पर अर्पिताज कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस नेशनल पार्क नंदा देवी वॉज एस्टैब्लिश इन 1982. ओके, आशुतोष हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट मोर. थैंक यू सो मच स्वप्ना प्रभा. बट व्हाट हैपन सडनली, व्हाट हैपन, क्या हुआ अचानक से. Thank you so much, dear. Thank you so much, Calvary.
I think you people are giving me a lot of blessings, and that's why I think my work is getting recognized these days. I think so. And I'm making good bonds with my students, my audience, right? I think you people are giving a lot of blessings. That's amazing. Thank you so much, guys. No, this is, I knew many people will surely get confused with A. As I can see, now you people are in my trap. Majority of you are in my track, and I'm so happy. Answer is B. National Social Assistance Program is a central sponsored scheme under Ministry of Rural Development. Social assistance has nothing to do with social justice. Remember, guys, it was a tricky question. I'm sure UPSC addicted wanted these kind of questions as far as I remember. Right answer would be B. Ministry of Rural Development ke under aata hai National Social Assistance Program. Okay, Rakesh Mishra has also given some contribution. This NSAP, it provides financial assistance to elderly, widows and persons with disability. Yes, definitely. Bilkul sahi hai. ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम है ठीक है और ये क्यों है किस चीज के रिगार्डिंग है ये है एल्डरली विमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक तरह से असिस्टेंस देनी है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड दैट टू इन अ फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती है साथ में पांच स्कीमों को मिलाकर के बना है ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, National Family Benefits Scheme or Annapurna. Bas hone wale khatam, 25 question karenge, that's it. Chandan Kumar, it was established 1995. This was my answer to Chandan Kumar. NSAP was established in 1995, 15 August. Question number 20 is on your screen. Pallava kings who succeeded the Chalukya king in the part of the South India, they were great patrons of the art. So, ye title kisko diya gaya tha? Vichitra Chit. The title was given to which of the Pallava kings? Options are in front of you. Yes, give me the right answer. Yes, good evening to Nandani Fan Club. Yes, Priyavat. Exactly right answer. How the UPSC addicted you? You only wanted the tricky questions, right? So I gave you one. Oh, that's why. Meera Bisht has. Good. Okay. Yes, come on. Right answer is B. And which I can see maximum logo ne diya answer as B. And see, the word is very interesting. Don't you think so? This word is very interesting. Vichitra Chit means curious minded. I'm sure every UPSC aspirant is that like that, right? Every UPSC aspirant is Vichitra Chit, that is curious minded. So I think I should give this title to the person. Like every, not a person, every person who is present in my class, every one of you is Vichitra Chit. So not Mahindra Verma one was not an exception. Everyone, every single of you is a curious minded. Everyone merely is Vichitra Chit. Chali, right answer. Baki aapko ye pata hona chahiye ki Mahindra Verma jo one the, he ruled around 7th century and he was responsible for building many temples. Bahut saare temple unhone banaye, right? Including the Pannamalai. Mandagapattu, Kanchipuram. So he made many temples, right? Chali. And he defeated, Mahindra Verma also defeated Pulakesin II, right? And ransacked the Chalukyan capital city, Vatapi, which is also known as Badami, of course. Okay. So, aage se, I will always say you, hello, my Vichitra Chit, right? That would be the next signature step. I won't be calling you Dear aspirants, no more aspirants. You are Vichitra Chit from now on. Chali. Question 21. Now, this is very interesting. Very, very interesting fact this is. Epidermis on the aerial part of the plant very often secrete a waxy layer to the protect against which of the following. Hum sab jante hain.
जो एपिडर्मिस होती है बाहर की आउटर लेयर, लाइक दिस इज आवर स्किन, सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. तो ये जो एपिडर्मिस लेयर है, आउटर जो लेयर है एरियल प्लांट्स की, वो एक वैक्स की तरह एक लेयर सिक्रीट करती है. पर किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए है? ऑप्शंस आपके पास है लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन बाय एनी पैरासिटिक फंजाई. I agree with you, Nidhi. बिल्कुल सही है. Okay. Yeah, I was just telling you on a lighter note, UPSC addicted. Half India live है. ओके आदिति प्लीज टेक केयर. इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गिव द आंसर, प्लीज टेक केयर. राइट आंसर वुड बी डी इन दिस केस. डी होगा राइट आंसर. एपिडर्मिस वाले केस में डी विल बी द राइट आंसर. तीनों चीजों से बचाती है ये जो एपिडर्मिस जो वैक्सी लेयर सिक्रीट करती है. इट प्रोटेक्ट्स दिस फ्रॉम ऑल द थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन 22. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स प्रमोट biosafety by establishing rules and procedures for the safe transfer, handling and use of the living modified organisms. Yes. Right answer would be A. कार्टेजिना प्रोटोकॉल. वीडियो नहीं चल रहा, किस किस का वीडियो नहीं चल रहा भाई? इज देयर एनीबडी एल्स हु इज आल्सो हैविंग सम प्रॉब्लम इन द वीडियो? आंसर इज नॉट बी, इट इज ए. जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग के लिए बात करता है, दैट इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल. Yes. और इनकी डिटेल भी आपको पढ़ने हैं. जो कार्टेजिना, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, दो चीजें दी गई थी. वन इज कॉल्ड एज कार्टेजिना प्रोटोकॉल, अदर इज थिंग इज कॉल्ड एज कार्टेजिना कन्वेंशन. सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज. कार्टेजिना प्रोटोकॉल और कार्टेजिना कन्वेंशन के बीच में डिफरेंस है, दोनों चीजें आर नॉट द सेम. प्रोटोकॉल तो हम जानते हैं, इट इज अबाउट द बायो सेफ्टी ऑन दिस You know, living modified organism and all. True. जो कार्टेजिना कन्वेंशन है, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. जो कार्टेजिना कन्वेंशन है ये है, इट इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन. लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ. सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मरीन एनवायरमेंट, स्पेशली ऑफ द वाइडर कैरेबियन एरिया. जो कार्टेजिना कन्वेंशन है वो मैरिटाइम एनवायरमेंट के से रिगार्डिंग है. तो कितना फर्क पड़ जाएगा गाइस, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में बहुत फर्क, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना. ऐसा फटाफट से कार्टेजिना देख के टिक नहीं करना, पढ़ लेना प्रोटोकॉल लिखा है या कन्वेंशन लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 23. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ अभी आप लोगों ने सुना होगा, पीछे न्यूज में था काफी ज्यादा, जो गोल्डन, यस प्रियव्रत कुमार इज वेरी कंसिस्टेंटली इज गिविंग दी इनपुट्स. ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रियव्रत. गोल्डन राइस के बारे में क्वेश्चन है. गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इन विच द इनकॉर्पोरेटेड जीन्स आर मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. गोल्डन राइस के अंदर किसके जेनेसिस के बायोसिंथेसिस के बारे में बात की जा रही है? ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है गोल्डन राइस, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे विटामिन ए बी सी नहीं होगा. राइट आंसर वुड बी डी, बीटा कैरोटीन. क्या हो गया आदित्य कुमार को आज? आदित्य कुमार करवल तो ज्यादा फील ले गया आज. आईएएस बनना है तो बनना है, बहुत बढ़िया भाई, बनो बनो. यस राइट आंसर वुड बी बी डी.
ये बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। होता क्या है बीटा कैरोटीन, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बीटा कैरोटीन इज एन एंटी ऑक्सीडेंट दैट कन्वर्ट्स द वाइटामिन ए एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड येलो एंड ऑरेंज कलरेशन ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी आपके येलो ऑरेंज रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उन सब के अंदर बीटा कैरोटीन। गुड एग्जांपल कैरेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, लास्ट टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, देन वी विल टेक अप द क्वेरीज। अगर आप लोग की जो क्वेरीज होंगी वो ले लेंगे। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट सेज इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। Largest quantity of e-waste in India is generated by Maharashtra. And third says, India recycles only 5% of its electronic waste. Okay, so Nisha is also contributing something and Priyavrat again told, genetic modified class, some more example. Yes, BT Contour, BT Brinjal. Good. Okay, Priyavrat, can you tell me the full form of this BT? Can you tell me the full form of BT? BT cotton में BT क्या है? BT की full form और बता दो जरा। Yes, Sumit जा, बिल्कुल सही है। Carrot is having beta carotene. Yes, true. Right answer यहाँ पे D होगा। All the three are true. इंडिया टॉप 5 कंट्रीब्यूटर में भी आता है। सबसे ज्यादा ई वेस्ट जो इंडिया का आता है वो है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मुझे आंसर दिया है गुर साहब ने। सही है भाई गुर साहब, तुम रात को आया करो, आपका बिल्कुल फास्ट चलता है, बढ़िया। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजिसिस। एग्जैक्टली राइट आंसर गिवन बाय गुर साहब, बाय निशा, बाय रामनुज ऑल्सो, गुड, एंड सौजय ऑल्सो, अदिति, सारण, आशुतोष, एवरीवन, गुड। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बायोमार्कर। बायोमार्कर के बारे में बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द बायोमार्कर्स। यस, बायोमार्कर के बारे में बताइए। फर्स्ट सेज द मेजर यूज ऑफ बायोमार्कर इज टू इंडिकेट रिस्क और एक्सपोजर टू डिजीज। बायोमार्कर से आप इंडिकेट करते हैं कोई भी रिस्क है, एक्सपोजर है डिजीज का वो। Second says the biomarkers can help curb death caused by dengue. अगर डेंगू से या डेंगू जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, बायोमार्कर जो हेल्प करता है डेथ से को कर्ब करने में डेंगू की वजह से। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। लेकिन अपने रिजल्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। हम अपने प्रोग्रेस पे, सक्सेस भी नहीं मैं कहूंगा, मैं कभी नहीं कहता कि अपने सक्सेस पे फोकस करो, मैं कहता हूँ अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो। प्रोग्रेस होगी तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। मंजिल से बेहतर कई बार रास्ते होते हैं, उनको एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। राइट आंसर होगा यहाँ सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है गाइस वो करेक्ट। दो सेशन मिस करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और इतने आप लोग अपनी जो क्वेरीज पूछना चाहते हैं उससे क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों की क्वेरीज है गाइज वो आप जरूर और गाइज कल सेम टाइमिंग रहेंगे हमारे, 8:30 PM होगा कल जो है हमारा सेशन। 8:30 को आप जरूर आइएगा। प्लस कल एक स्पेशल क्लास भी होने वाली है। आप लोगों में से जिन्होंने भी आज तक अनअकैडमी प्लस पे क्लास अटेंड नहीं की है उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज। मेरे अनअकैडमी पेज पे जाकर के मेक श्योर कि आप कल अपने आप को रजिस्टर कीजिए। कल एक और लाइव क्लास होने वाली है जहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। सो गाइज मेक श्योर कि आप जरूर क्लास में आए, एंड यू गाइज ऑल्सो कम एंड टेक अप द स्पेशल क्लास। कल की स्पेशल क्लास 10 PM है, अपने आप को रजिस्टर करें, फ्री है, बिल्कुल फ्री पे डेमो क्लास है मेरी। अगर मेरी डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे आके, सो मेक श्योर कि आप जरूर क्लास में आए। मेरे आने आप
टाइप कीजिए अनअकैडमी को, फॉलो कीजिए मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके, वहीं पे आपको बैनर मिलेगा और वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। सो मेक श्योर, जो जिन लोगों को डाउट है, स्पेशली वो जो कह रहे थे कि यार अभी मुझे नहीं पता सर कि वर्थ है या नहीं वर्थ है, आप खुद डिसाइड कीजिए मेरी डेमो क्लास में आके। तो डेमो क्लास में आपको कल हमारी 10 o'clock के आसपास डेमो क्लास है, सो मेक श्योर कि आप लोग जरूर आए। अर्पिता ने अपना स्कोर शेयर किया है 19, बहुत बढ़िया अर्पिता, अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो यार, ऐसे ही बहुत सारे नंबर लेके आओ, बहुत सारी कामयाबी मिले आप सब लोगों को। इसी तरह से ये फैमिली जो है, मैं इस चीज़ को एक फैमिली की तरह मानता हूँ। सो अनअकैडमी, मैं और आप एक फैमिली की तरह साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सो आई रियली वॉन्ट गाइज की फैमिली ऐसे आगे बढ़ते रहे। आप लोगों का प्यार है जो अभी रिकॉग्निशन में मिलता है हमारे काम को, जब हमें कोई बोलता है कि हाँ सर आपको हम जानते हैं, आपके हम लेक्चर सुने हैं, तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है कि मेरे, आई मीन दिस इज व्हाट आई एम अर्निंग, ये जो क्राउड है मैं, ये मेरी कमाई है, ये क्राउड ही मेरी कमाई है, राइट। सो गाइज अनअकैडमी के साथ जुड़ी है आप लोग भी, बहुत सारे अमेजिंग एजुकेटर्स हैं, नॉट जस्ट मी, सभी एजुकेटर्स जो हैं सभी इतने हैं, आपके लिए हेल्पिंग रहने वाले हैं। सो गाइज मेक श्योर कि आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेक करें, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, द वन हु आर इंटरेस्टेड इन अनअकैडमी। तो और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए गाइज, तो मेक श्योर आप मुझे मैसेज कर दीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, विद इन 24 hours आपकी क्वेरीज का मैं आंसर रिप्लाई बैक कर देता हूँ, राइट। सो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, बहुत सारे मटेरियल यहाँ भी हैं, और ये रेफरल कोड आप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आप ही लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा, और मेरा रेफरल होने की वजह से आप मेरी गाइडेंस टीम में रहने वाले, सो आई विल बी योर पर्सनल मेंटर फॉर दैट। कोड आपके सामने लिखा है आशीष मलिक 8996, 10% डिस्काउंट जरूर अवेल कीजिए। ओके, सो ऑल दोज हु आर सेइंग थैंक यू टू मी, यू आर मोस्ट वेलकम यार, एवरीवन मोस्ट वेलकम। ओके तनवीर, ओके यस अंजलि, डेली लेक्चर होता है 8:30, डेली लेक्चर होगा 8:30 PM को सेट कर लीजिए। ओके प्रियव्रत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स इट इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यस प्रियव्रत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग मानते हैं कि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत जरूरी टॉपिक है, जरूर प्रिपेयर करने आपको। हाँ मुझे यही बताना था कि डेमो क्लास होने वाली है कल, तो फ्री में डेमो क्लास है 10 to 11, 1 घंटे की डेमो क्लास होगी, जरूर आके अटेंड कीजिएगा। अरे क्या बात, सब लोगों को याद है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ओके रोहन थापा, सर आई एम न्यू फॉर अनअकैडमी, कैन यू क्लियर व्हाट टॉप सब्जेक्ट यू टेक सर? रोहन, आई टीच एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग ज्योग्राफी and geography optional. I also teach answer writing practice, I teach essay writing practice, I teach international relations, I teach polity, I teach environment, and you will also find these test series which I always conduct on Unacademy. So basically I'm handling multiple domains, not just one, I'm handling multiple domains. This was my answer to Rohan Thapa. Well, Priyavrat, this is so sad that Election Commission is not up to the expectation this time. So I understand, we all are very, very, we are not that good. Renu Kumari, registration kaise hoga? Registration ke liye, okay, UPSC Addicted, thank you so much for efforts. Thank you so much, UPSC Addicted. वेल जिन लोगों को कल की क्लास अटेंड करनी है गाइज, आप अनअकैडमी, आप सिंपल मेरी प्रोफाइल पे जाओ, आप आशीष मलिक अनअकैडमी सर्च करो, एक पेज आपको ओपन होगा, फ्रॉम देयर यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करो, लिंक होगा, अगर लिंक नहीं मिले तो मुझे मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैसेज करो, आई विल सेंड यू द लिंक मायसेल्फ, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप आए कल ज़रूर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। शायद आपको जब मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी,
कि अनअकैडमी प्लस क्यों सबसे बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब भी जरूर करना है और एक कोड भी यूज करना है उसके साथ में। फिलहाल तो आप लोग कल जरूर आइए अपने डेमो क्लास के लिए। टाइमिंग है, डेमो क्लास की टाइमिंग है 10 PM to 11 PM और नॉर्मल मेरे यूट्यूब के सेशन की टाइमिंग होंगे 8:30 PM। स्वप्न प्रभाव, आज क्लास बहुत अच्छी लगी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आप जिन जिनको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच गाइस। मिल नहीं रहा लिंक, अगर लिंक नहीं मिल रहा तो मैं सेंड कर दूंगा, मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैसेज कर दो, जिसको भी लिंक चाहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैसेज कर दीजिए। ओके, सो रोहन थापा, इंजीनियरिंग लेक्चर तो मैं तो नहीं ले रहा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यार पीडीएफ आपको मिलेगा इन सब चीजों का, मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है ठीक है, मैसेज कर रखा तो वहां मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट। चले गाइस, सो अभी ऑलरेडी इट्स सो लेट, सो सी यू टुमारो एट 8:30 PM, डोंट फॉरगेट टू सेट योर रिमाइंडर्स। सो कल मिलते हैं 8:30 PM को, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय सेशन। टेक केयर गाइस, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।